हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आज से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा बीएड और डीएलएड परीक्षार्थियों के लिए रखती है, और इसी परीक्षा को पास करने के बाद बच्चे क्लास वन से लेकर 12th तक जिस भी स्टैंडर्ड में चाहें वहाँ शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए आज पहला दिन हम लोग विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक है सीडीपी का, यह टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब इसी तरीके से ये जितनी भी टॉपिक होंगी वो इस चैनल पर एक एक करके आती रहेंगे। चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा क्या है? तो हम और आप सभी लोग जानते हैं, ट्रेनिंग के दरमियान भी सीखे हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास की प्रक्रिया में बालक का संपूर्ण विकास होता है। जैसे संपूर्ण विकास यदि कहें तो संपूर्ण विकास के अंतर्गत उसकी संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास और सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ें उसमें आते हैं। बाल विकास की अवधारणा जो है यह एक व्यापक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी प्रकार के परिमाणात्मक हों या गुणात्मक परिवर्तन हों, सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। या हम इसको दूसरे रूप में कहें तो इस रूप में भी कह सकते हैं कि बढ़ते उम्र के साथ मनुष्य की जो शारीरिक संरचना, जैसे आकार है, लंबाई है, भार है, या आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होने वाले हैं, चाहे वो मानसिक हों, भावनात्मक हों, सामाजिक हों, बौद्धिक हों, ये जितने भी तरीके के परिवर्तन होते हैं, उन पक्षों में जो परिपक्वता का होता है उसे वही विकास कहलाती है। यह एक क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक वृद्धि के अवरुद्ध हो जाने के बाद भी चलता ही रहता है, तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक यह सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। इसे इस रूप में भी देखा और समझा जा सकता है कि एक क्रमबद्ध और सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला होने के बावजूद यह भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसकी एक निश्चित दिशा होती है, और यह सदैव आगे की ओर उन्मुक्त रूप से बढ़ती रहती है। इतना ही नहीं, यदि हम बात करें इसमें वृद्धि और विकास, क्योंकि जब भी विकास की चर्चा होगी तो वृद्धि की चर्चा होना लाजमी है, तो वृद्धि और विकास को यदि हम यहाँ देखना चाहें तो सुनने में दोनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जब हम इसके बारे में इसके गूढ़ रहस्यों को जानेंगे, तो हमें यह लगेगा कि वृद्धि और विकास दोनों अलग-अलग हैं। किस रूप में हैं? तो अंतर के रूप में हम लोग इसको इस रूप में जान सकते हैं कि आमतौर पर वृद्धि और विकास, जब भी आप इसको चर्चा करेंगे तो इसको एक समान ही मान लिया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं जो हैं उनके अनुसार ये अलग-अलग होते हैं। वृद्धि शब्द का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो जैसे बढ़ते हुए उम्र के साथ व्यक्ति के शारीरिक अंगों के आकार हों, लंबाई हों, भार हों, उसमें बढ़ोतरी हो, इन सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। जैसे मनुष्य बड़ा होता है, ठीक है, उसका आकार, लंबाई, नाक, नक्श, ये जितनी भी चीज़ें हैं में परिवर्तन भी आने लगती है। इसके स्थान पर नाक नक्श प्रकट भी अलग तरीके से प्रकट भी होने लगता है, जैसे वृद्धि को हम यहाँ पर माप भी सकते हैं। किंतु विकास जो होती है वो व्यक्ति के क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता है। इसको
आप माप नहीं सकते हैं, केवल आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतना विकास हुआ है, चाहे उनके गुणों को आप देखकर करें या रंग रूप आकार को देखकर करें या फिर क्षमताओं को देखकर करें। तो मनोवैज्ञानिकों के में विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन से ही केवल नहीं है, उनमें नई विशेषता आ जाए, क्षमताओं का विकसित हो जाए, गर्भावस्था से होकर यह वृद्धावस्था तक, या तो यूँ कहें कि मृत्यु पर्यंत तक यह चलता ही रहता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो नवीन नवीन विशेषताएं आती हैं और वो लक्षणों के रूप में प्रकट भी होती हैं, साथ ही साथ इन लक्षणों से उसकी उनकी योग्यताओं में भी विकास होता है। अब आज का जो टॉपिक था वह था कि विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है, और यह प्रश्न बराबर पूछा भी जाता है कि विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है। तो विकास का अधिगम के साथ जो संबंध है उसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहला अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ सीखने से है, और हम यह जानते हैं कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है और यह उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, अनुभवों के साथ व्यवहारों में उसके परिवर्तन तो आता ही आता है। वस्तुतः यदि हम यो कहें कि इसी को हम अधिगम कहते हैं, जब भी वह कुछ सीखता है उसमें जो परिवर्तन आते हैं या परिमार्जन आता है उसके व्यक्तित्व में, उसके कला में, तो उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। तो मनुष्य अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सीखता तो अवश्य ही रहता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में सीखने की गति यह एक समान नहीं होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जब भी अपने छोटी अवस्था में होते हैं तो वो उतना नहीं सीखते हैं, लेकिन बाल्यावस्था से में आते आते सीखने की गति तीव्र हो जाती है, किशोरावस्था में आते आते वह और भी अधिक हो जाती है। तो वह निश्चित रूप से लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है, कभी गति तीव्र होती है कभी कम होती है, इस तरीके से। वृद्धावस्था तो आते आते सीखने का दर लगभग एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। तो इतना के साथ मनुष्य अपने विकास के लिए जो कुछ भी सीखता है उस सीखने की गति में जब वह शैशवावस्था में होता है तो छोटे बच्चे माँ की स्तन से दूध पीना सीखते हैं। अब यह जन्म लेने के तुरंत बाद की अवस्था है, तो पहला जो कार्य वह सीखता है वो वहाँ से दूध पीना सीखता है। उसके कुछ दिनों के बाद बोतल द्वारा जो दूध उसे पिलाए जाते हैं तो उसको बोतल के द्वारा पीना सीखता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे को दोनों हाथ से पकड़कर तब पीता है, फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो एक हाथ से बोतल को पकड़कर दूध पीना सीखता है। उससे भी थोड़ा और अधिक बड़ा होता है तो फिर कुछ आवाज़ होता है या प्रकाश की कुछ किरणें उसके चेहरे पर डाली जाती है या फिर बिजली कौनती है तो उस पर प्रतिक्रिया देना भी सीखता है। तो यह धीरे धीरे क्रमिक रूप से यह चलता रहता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनुभवों के आधार पर वह लगातार कुछ न कुछ सीखता है। तो यहाँ पर ये विकास भी उम्र के साथ उसका होता चला जाता है और यहीं पर वह कुछ न कुछ सीखता भी चला जाता है। अब आज के इस टॉपिक में जो एकदम याद कर लेने वाले कुछ बिंदु हैं उन बिंदुओं को देख लेना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि विकास में जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रियाओं का जो निरूपण किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बढ़ता है, गर्भधारण से मृत्यु की ओर तक पहुंचता है, तो उस जीवन काल में उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। साथ ही विकास व्यवस्थित होता है, नियमित होता है और प्रगत्यात्मक होता है, यह बहुआयामी भी होता है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे विकास की चीज़ों में, चाहे वह उसका शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, वह प्लास्टिक
के भांति वह लचीला होगा, जैसा उसे परिवेश मिलेगा उस अनुसार वह विकास करेगा। अमेरिका में होगा तो वहाँ के समाज के अनुसार करेगा, भारत में होगा तो वहाँ के अनुसार करेगा, बिहार में होगा तो वहाँ के अनुसार करेगा। तो यह काफ़ी प्रासंगिक भी है। साथ ही विकास के जो प्रमुख प्रभाव क्षेत्र हैं, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक, ये तीन पॉइंट को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उसमें जो कुछ अनुवांशिक घटकों का निर्धारण होता है, जो गर्भधारण के समय में होता है, जहाँ से जेनेटिक सूचनाएं मिलती हैं, संवहन होते हैं, जीन्स होते हैं, ये सभी गुणसूत्रों के पर आधारित होते हैं। साथ ही जीनोटाइप से जो तात्पर्य है वह अभिलक्षण है, वह जेनेटिक्स के माध्यम से शुरू होता है, परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते हैं, जबकि फिनोटाइप्स में वे अभिलक्षण निरूपित किए जाते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जब भी बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। परिवेशीय घटकों का प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों ही स्थिति में उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ माँ के में का जो माँ के अंदर जो रोग हैं या पोषण है, तनाव है, तो इसका भ्रूण के विकास पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। साथ ही साथ प्रकृति जो है उसमें पालन पोषण किस रूप से हो रहा है, संयुक्त रूप से हो रहा है, एकल रूप से हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज का यह टॉपिक निश्चित रूप से हमें लगता है कि आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण लगा होगा। आशा और उम्मीद करेंगे कि प्रतिदिन इसी तरीके से आप टॉपिक को देखकर नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हों तो स्क्रीन पर से आप नोट कर सकते हैं और एक एक टॉपिक को की तैयारी करके आप सीटेट में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आने के बाद बेल आइकॉन यदि आप प्रेस कर लेते हैं तो आपको यह वीडियो सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।